नागपुर बने संभाजीनगर मार्ग पर बढ़ते ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। इस रोड की वजह से नागपुर से पुणे की दूरी भी महज 6 घंटे में तय की जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का मानना है कि यह राजमार्ग भविष्य में महाराष्ट्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा। शुक्रवार को वर्धा मार्ग पर होटल रेडिसन ब्लू में पुणे अहमदनगर छत्रपति संभाजीनगर कॉरिडोर और नए ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे के विकास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और राज्य सरकार के लोक निर्माण विभाग के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस समय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रबंध निदेशक महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम ब्रजेश दीक्षित, लोक निर्माण विभाग डीएन नंदनवार पर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के उप सचिव मयूर गोविकर, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुंबई के क्षेत्रीय अधिकारी अंशुमाली श्रीवास्तव की प्रमुख उपस्थिति रही। पुणे अहमदनगर छत्रपति संभाजीनगर मार्ग पर बड़ी संख्या में उद्योग है, इसलिए सड़क पर लगातार ट्रैफिक रहता है। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और मौजूदा 4 लेन सड़क को राज्य सरकार के महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम MSRTC द्वारा उन्नत किया जाएगा। पुणे छत्रपति संभाजीनगर मार्ग पर प्रतिदिन 1 लाख से अधिक वाहन यात्रा करते हैं। इतनी बड़ी मात्रा में ट्रैफिक मौजूदा हाईवे पर समस्या पैदा कर रहा है, लेकिन नया ग्रीनफील्ड 6 लेन एक्सप्रेसवे इस समस्या का समाधान करेगा। इसके अलावा अगर कोई नया औद्योगिक एस्टेट बनाने पर विचार हो तो इससे सूखाग्रस्त इलाकों के गांव को फायदा होगा, ऐसा गडकरी ने कहा। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान शून्य कार्बन फुटप्रिंट के सभी पहलुओं को पूरा किया जाना है। इसके अलावा पर्यावरण के अनुकूल निर्माण सामग्री का उपयोग किया जाएगा। गडकरी ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण में आसपास के शहरों के कचरे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही नदियों एवं नहरों को गहरा कर सिंचाई स्तर को बढ़ाया जा सकेगा तथा जल संरक्षण का कार्य भी किया जा सकेगा। समृद्धि राजमार्ग के माध्यम से संभाजीनगर केवल 4 घंटों में पहुंचा जा सकता है, लेकिन संभाजीनगर से पुणे पहुंचना अधिक चुनौतीपूर्ण है। इसके कारण संभाजीनगर से पुणे तक मौजूदा यातायात भीड़ से बचने के लिए एक नए राजमार्ग की तत्काल आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को समझते हुए यह बहुत खुशी की बात है कि पुणे से छत्रपति संभाजीनगर तक 230 किलोमीटर लंबे 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं, ऐसा राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। मैं अहमदनगर औरंगाबाद संभाजीनगर रस्ते की हालत ठीक नहीं और महाराष्ट्र सरकार टोल लेती है, पर रस्ते के आजू बाजू में सब जगह पर धाबे तैयार है। पहले माझी तुम्हाला विनंती है कि आपल्याला हा रस्ता ही चांगला करायचा आहे, आपला पार्ट आहे त्याच्यावर रस्त्याचा बेस चांगला असल्यामुळे तुम्ही हे व्हेरीफाय करून बघा की याला जसं आपण 8 इंच व्हाईट टॉपिंग कॉम्प्लिटिंग करतो ते करून एक्झिस्टिंग रस्ता पण आपण चांगला करू, बाजूचे अतिक्रमण करू, सर्व्हिस रोड बांधू आणि तो याच्यात इन्क्लूड आहे। या रस्त्यामध्ये बरेचसे महत्त्वाची गावं येतात, पैठणच्या बाहेरून हा रस्ता जातो, त्यामुळे हा एक महत्त्वाचा आणि याचा ट्रॅफिक सध्या 1,13,736 PCUs म्हणजे भयंकर। आणि याच्यामध्ये नक्कीच पुणे ते वाघोली खूप आहे आणि पुणे ते वाघोली शिरूरपर्यंत आम्ही ऑलरेडी एक डबल डेकर एलिव्हेटेड रोड पण डिझाईन केलेला आहे आणि त्याचंही पण व्हायबिलिटी चांगली आहे, तोही पण तुम्हाला देण्याचा विचार आहे। महाराष्ट्राकरता आजचा दिवस हा अत्यंत महत्वाचा आहे। आमचे PWD मिनिस्टर रवी चव्हाणजी हे या कार्यक्रमामध्ये लिंकच्या द्वारे मला असं वाटतं जुळलेले आहेत आणि आज छत्रपती संभाजीनगर पासून पुण्यापर्यंत असा हा एक नवीन हायवे जो ग्रीनफील्ड हायवे आहे तो या ठिकाणी तयार होतोय। याची प्रचंड मोठी आवश्यकता होती कारण आपल्याला कल्पना आहे की आज सर्वाधिक ट्रॅफिक आपल्याला छत्रपती संभाजीनगर टू नगर आणि नगरपासून पुणे या भागामध्ये लागतो, किंबहुना
त्या ठिकाणी अनेक वेळा ट्रॅफिक जाम असतो, गाड्याच पुढे जात नाहीत, अतिशय स्पीड कमी होते आणि म्हणून या ठिकाणी हा रस्ता करणं अत्यंत गरजेचं होतं आणि विशेषतः समृद्धी महामार्ग झाल्यानंतर मुंबईपर्यंत पोचणं हे अतिशय सोपं झालं असताना संभाजीनगरवरनं पुण्याला पोचणं हे मात्र अत्यंत कठीण होतं आणि म्हणून ही लिंक तयार करणं गरजेचं होतं. कॅमेरा पर्सन राजकुमार बोहट के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट.